टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। सो इसे समझने से पहले ट्रेडिंग क्या होता है आइए जानते हैं। ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है आपने कोई चीज़ कम रेट में खरीदे एंड उसे हाई रेट में सेल कर दिए, जिससे आपके पास पैसा ही पैसा हो गया। लेकिन ट्रेडिंग अगर आपने बस किसी की सुन के या टिप पे किए देन आपके पैसे डूब भी सकते। चीटिंग करता है तू। अरे चीटिंग नहीं किया, आपके पैसे ना डूबे इसलिए तो हमने इस चैनल पे बेसिंग टू एडवांस शेयर मार्केट सीरीज स्टार्ट किया है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम। हाँ चलो, अगर आप कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो शेयर मार्केट को लेके तो अभी के अभी चैनल को तो प्लीज सब करा। हाँ जो भी हो, सो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आर देर इन शेयर मार्केट। अच्छा। हाँ, जो है फंडामेंटल ट्रेडिंग एंड टेक्निकल ट्रेडिंग, एंड ये दोनों के भी कुछ टाइप्स होते हैं। लाइक फंडामेंटल ट्रेडिंग में आता है इन्वेस्टिंग, एंड टेक्निकल ट्रेडिंग में आता है इंट्राडे ट्रेडिंग, सेकेंड है स्कैल्प ट्रेडिंग, थर्ड है स्विंग ट्रेडिंग एंड फोर्थ है ऑप्शन ट्रेडिंग। ये सब टाइप जानने से पहले आइए जानते हैं फंडामेंटल ट्रेडिंग क्या होता है एंड टेक्निकल ट्रेडिंग क्या होता है। बेसिकली फंडामेंटल ट्रेडिंग होता है किसी भी कंपनी के बारे में डीप रिसर्च करके उसमें ट्रेड करना। लाइक कंपनी की इनकम क्या है, कंपनी के एसेट कौन कौन से, कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटीज तो नहीं है, और एट द एंड बैलेंस शीट चेक करना। और भी बहुत कुछ होते हैं जो देखना होता है, लाइक कंपनी का CEO कौन है एंड कौन कंपनी को लीड कर रहा है एसेट्रा। वहीं दूसरे तरफ टेक्निकल ट्रेडिंग में सिर्फ चार्ट पैटर्न एंड शेयर की प्राइस को देख के ट्रेड करते हैं, एंड इसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और ये फंडामेंटल से बिल्कुल अलग होता है, बिकॉज फंडामेंटल में हम कंपनी को एनालाइज करते हैं एंड टेक्निकल में चार्ट को। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड के बारे में। पहले जानते हैं फंडामेंटल ट्रेडिंग के टाइप को। सो इसमें एक ही टाइप है जिसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने कोई एक कंपनी के शेयर बाय किए फॉर द लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब 5 to 10 years। आपने उस कंपनी के शेयर को 5 to 10 years बाय करके होल्ड करके रखा, एंड जब शेयर का प्राइस ग्रो हो गया देन आपने उसे सेल कर दिया। इसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग, एंड इन्वेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। और इसमें रिस्क बिल्कुल लो होता है अगर सही कंपनी चूज किए तो, वरना पैसा बर्बाद। अब जानते हैं टेक्निकल ट्रेडिंग के बारे में। इसे समझने से पहले मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ, इसमें आपका पैसा 21 दिन में पैसे डबल हो सकता है, मगर आपने इसे बिना सीखे किए तो। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया। हाँ ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज आपको ट्रेडिंग में बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज मतलब अगर आपके पास 10,000 है देन आपको अप टू 10x लेवरेज मिलता है, जिससे आपके पास अगर 10,000 है तो उससे आप 1 लाख रुपए तक शेयर ले सकते हो, बट आपकी इन्वेस्टमेंट बस 10,000 की ही रहेगी, बट प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख के हिसाब से होगा। सो ट्रेडिंग हैव हायर प्रॉफिट विथ हायर रिस्क। अब जानते हैं टेक्निकल ट्रेडिंग के टाइप्स के बारे में। सो वेरी फर्स्ट इज इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑल्सो नोन एज डे ट्रेडिंग। इसमें आपको विद इन अ डे बाय एंड सेल करना होता है, मतलब जब हमारी शेयर मार्केट ओपन होती है 9:15 से 3:30 बजे तक, इसी बीच में आपको बाय करके सेल करना होता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। समस्या नहीं है, आपको ये सारी ट्रेडिंग टाइप पे डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी। अभी मजा आएगा ना। मजा तो आएगा, आगे के टाइप्स के बारे में जान लो पहले। दूसरा टाइप है स्कैल्प ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं विद इन अ मिनट और सेकेंड। मस्त जोक मारा। अरे जोक नहीं मारा, सच में ट्रेडर ऐसे ही ट्रेड करते हैं एंड प्रॉफिट बुक करते हैं एक एक कैंडल के मूवमेंट से। मैं पर्सनली इसे अवॉइड करने बोलूँगा एट बिगनर लेवल, बिकॉज आपको इसमें एक एक सेकेंड में प्रॉफिट बुक करना होता है एंड आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसा करने के लिए। बात तो सही है। नेक्स्ट ट्रेडिंग टाइप है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें ट्रेडर शेयर को बाय करके 2 दिन में, 4 दिन में
या एक हफ्ते में प्रॉफिट होने पे सेल कर देते हैं। एट द एंड वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट इज कॉल्ड ऑप्शन ट्रेडिंग। आपने सुना होगा किसी का एक ही दिन में 10,000 का प्रॉफिट हुआ, किसी का 20,000 का। ऐसा सिर्फ इसमें ही पॉसिबल है। मानना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसे कमाना है तो ये सीखना होगा। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं एंड डिटेल में हम आगे सीखेंगे। सो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ऑप्शन में शेयर को बाय करना होता है। मींस फॉर एग्जांपल निफ्टी का ऑप्शन बाय करने के लिए आपको 50 शेयर का लॉट बाय करना होगा फॉर वन ऑप्शन। अच्छा, मुझे कमेंट में एक शेयर का ऑप्शन साइज लिख के बताना ताकि हमें भी पता चले आप कितने इंटरेस्टेड हो लर्निंग को लेके। अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ड्यूरेशन के बारे में। सो इसकी ड्यूरेशन वीकली मंथली होती है हर थर्सडे को। मतलब अगर आप फ्राइडे को ट्रेड बाय करोगे देन आपको थर्सडे तक सेल करना होगा, वरना ऑप्शन का प्राइस ज़ीरो भी हो जाता है अगर आपने सेल नहीं किए तो। आई होप आपको टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग समझ आ गई होगी। एंड जाते जाते भी बोलूँगा, ट्रेडिंग इज़ अ हाई प्रॉफिट विथ हाई रिस्क गेम, सो इसे बिना सीखे करना ही मत। वीडियो अच्छी लगी तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, तबाह कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।